हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अचीव या द अनस्टॉपेबल में। और आज मैं अपूर्व लेकर आया हूँ आपके लिए शॉर्ट्स जो कि हैं डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया पे। जी हाँ दोस्तों, आज हम इसमें देखेंगे कि उन बीमारियों के बारे में जो कि बैक्टीरिया के कारण होती हैं। और ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हर बार रेलवे और एसएससी में ये पूछा जाता है, किसी न किसी एक बीमारी के बारे में पूछा जाता है, चाहे वो बैक्टीरिया के द्वारा हो, चाहे प्रोटोजोआ के द्वारा हो, चाहे वायरस के द्वारा हो। तो एक एक करके मैं इन सब पे शॉर्ट्स लाऊंगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। देखिए, पहला डिजीज़ है टिटनस। टिटनस आप जानते हैं कि अगर जैसे आपको लोहे की कोई चीज़ लग जाती है या कहीं कुछ एक्सीडेंट हो जाता है तो टिटनस का इंजेक्शन सबसे पहले लगाया जाता है। इसको हिंदी में बोलते हैं धनुस्तंभ या धनुष्कार रोग। और ये किस सिस्टम को अफेक्ट करता है? ये आपके तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। और ये इसका जो बैक्टीरिया उसका नाम क्या है? क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी। देखिए, कुछ भी पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है बीमारी का नाम जो कि किस कारण से होती है। तो वहाँ पर ऑप्शन दिए होंगे बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ। तो वहाँ पर आपको देखना होगा कि हाँ, ये बैक्टीरिया से होती है। ये पूछा जा सकता है कि टिटनस नाम की बीमारी बैक्टीरिया से होती है, तो इसका बैक्टीरिया का नाम क्या है, जो कारण है, तो क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी आपको बताना होगा। या ये भी पूछ सकते हैं कि टिटनस बीमारी से बॉडी का कौन सा पार्ट अफेक्ट करता है, तो आपको बताना होगा नर्वस सिस्टम अफेक्ट करता है। इसी तरीके से आगे भी हम कुछ बीमारी देखते हैं। सेकंड है कॉलरा। कॉलरा को हिंदी में बोलते हैं हैजा। ये होती है विब्रियो कॉलरी के द्वारा। और ये किस पार्ट को अफेक्ट करती है? इंटेस्टाइन यानी आंतों को। फिर अगर बात करें हम टाइफाइड की, तो इसको मियादी बुखार या आंत्र ज्वर भी बोलते हैं। और ये सेलमोनेला टाइफाई के द्वारा होता है, ये एक बैक्टीरिया है। और ये भी किसको अफेक्ट करता है? ये भी आंतों को अफेक्ट करता है। इसी के साथ आगे बढ़ें, अगर ट्यूबरक्लोसिस की बात करें, टीबी की, तो इसको हिंदी में बोलते हैं क्षय रोग या तपेदिक। और ये किसके द्वारा होता है? ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के द्वारा होता है। और ये किस पार्ट को अफेक्ट करता है? ये फेफड़ों को अफेक्ट करता है। इसमें देखिए क्या होता है कि खांसी बहुत लंबे समय तक नहीं जाती है, एक दो महीने तक अगर आपको खांसी रहती है तो आपको टीबी की जाँच करा लेनी चाहिए। और उसके बाद हम देखते हैं डिप्थीरिया। तो डिप्थीरिया को बोलते हैं घट सर्प या रोहिणी सर्प। इसमें क्या होता है कि जो आपका नली होती है गले की, श्वास नली होती है, वो जो है तो चोक हो जाती है थोड़ी, इस तरह से कह सकते हैं। तो और सांस लेने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं। ये किसके कारण से होता है? ये होता है कॉरी बैक्टीरियम डिप्थीरिया के द्वारा। और ये किस पार्ट को? जैसा भी मैंने बताया, श्वास लेने में दिक्कत होती है, तो ये रेस्पिरेटरी ट्यूब को यानी श्वास नली को आपके अफेक्ट करता है। उसके बाद अगर बात करें प्लेग की, तो प्लेग होता है पेस्टोरिला पर्ट्यूसिस के द्वारा। और ये फेफड़ों यानी ये भी लंग्स को अफेक्ट करता है। प्लेग फैलाने के लिए से चूहे, जो घर में जिसमें ज़्यादा चूहे होते हैं, तो कई बार जो प्लेग फैलाने का कारण चूहे हो सकते हैं। उसके बाद आगे देखें, अगर वूपिंग कफ, वूपिंग कफ मतलब काली खांसी, ये किसके द्वारा होती है? ये हेमोफिलिस पर्ट्यूसिस नाम के बैक्टीरिया के द्वारा होती है। और काली खांसी है, तो खांसी किसको अफेक्ट करेगी? रेस्पिरेटरी सिस्टम को यानी श्वसन तंत्र को अफेक्ट करेगी। उसके बाद अगर बात करें निमोनिया की, तो निमोनिया अक्सर बच्चों में, छोटे बच्चों में तो होता ही है। इसको हिंदी में बोलते हैं फुफ्फुस प्रदाह। और ये किस कारण से होता है? इसका जो बैक्टीरिया है उसका नाम है डिप्लोकोकस न्यूमोनिए। और ये किस पार्ट को अफेक्ट करता है? ये भी लंग्स को। इसमें क्या होता है? लंग्स में पानी भर जाता है और उस वजह से काफ़ी दिक्कतें होती हैं, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। और ये फिर निमोनिया के बाद ही क्या बोलते हैं, आपका लीवर पर भी अफेक्ट करता है, तो और बीमारी बढ़ सकती है अगर इसे कंट्रोल नहीं किया जाए तो। उसके बाद अगर बात करें लेप्रोसी की, तो इसको बोलते हैं कुष्ठ रोग। या आपने देखा होगा इसमें हाथ पैर आपके अजीब से हो जाते हैं और सांस, जो स्किन होती है, सॉरी स्किन क्या होती है, ख़राब होने लगती है, घाव से बनने लगते हैं। तो ये किस कारण से होता है? ये माइकोबैक्टीरियम लेप्री के द्वारा होता है। और ये नर्वस सिस्टम को भी अफेक्ट करता है, और जैसे मैंने आपको बताया स्किन, त्वचा को भी अफेक्ट करता है, बॉडी के किसी भी बाहरी पार्ट को अफेक्ट कर सकता है। उस साथ अगर हम आगे देखें, दो बीमारी और हैं इसमें। एक होती है गोनोरिया, जिसको कि सुजाक या प्रमेह भी बोलते हैं। और ये किस कारण से होती है? ये निसेरिया गोनोरिया नाम के बैक्टीरिया के द्वारा होती है। और ये किस पार्ट को अफेक्ट करती है? ये जो यूरिनरी पाथ होता है आपका, उसको ये अफेक्ट करती है। इसमें क्या होता है कि सूजन आ जाती है इन्फेक्शन की वजह से। उसके बाद अगर बात करें सिफिलिस की, तो इसको बोलते हैं उपदंश। और ये होता है ट्रेपोनेमा पेलिडम के द्वारा। एक बैक्टीरिया ट्रेपोनेमा पेलिडम, जो कि उपदंश का कारण है। और ये भी यूरिनरी पाथ में ही होता है। और इसमें क्या होता है कि इन्फेक्शन, संक्रमण रोग हो जाता है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज हमने कवर किया है यहाँ पे बैक्टीरिया के द्वारा कोई बीमारी है। और इसलिए आगे भी हम इसी तरह से कवर करते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए
हमारा चैनल अचीविया द अनस्टॉपेबल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपने अभी तक हमारी वीडियोस को लाइक या शेयर नहीं किया है तो उन्हें देखें, लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।